हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल अलवी ड्रीम टीम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लैंड वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में खेले जाने वाले फोर्थ ओडीआई मैच के बारे में। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हर एक प्लेयर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप भी फोर मेंबर में इजिली विन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। आईपीएल में भी हमारी टीम गजब की धूम मचा रही है और लगातार विन कर रहे हैं, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। आइए दोस्तों, आपको नोट्स पर ले चलते हैं। बात करें इंग्लैंड वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन की ओडीआई सीरीज की, तो ये फोर्थ ओडीआई मैच खेला जाएगा 23 सितंबर को 5:30 पे मैच स्टार्ट होगा। वेन्यू की बात करें तो काउंटी ग्राउंड डर्बी में मैच खेला जाएगा। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो अभी तक यहाँ पे टोटल 2 ओडीआई मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट ने 1 मुकाबले जीते हैं, तो बैटिंग सेकंड ने भी यहाँ पे 1 मुकाबले जीते हैं। एवरेज अगर फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें तो 225 का है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो पाकिस्तान ने किए थे 269 रन 8 विकेट पे। अगर लोएस्ट स्कोर की बात करें तो न्यूजीलैंड का है, जो कि 181 रन किए थे 10 विकेट पे। स्कोरिंग अगर पैटर्नर की बात करें तो यहाँ पे 200 से नीचे का स्कोर एक बार बना है और 200 से लेके 249 के बीच में यहाँ पे एक भी बार स्कोर नहीं बना है, और 250 से लेके 299 के बीच में यहाँ पे एक बार स्कोर बना है। आपको 200 से लेके 250 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें लास्ट 5 मैचों की, तो इंग्लैंड वुमेन की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं पर न्यूजीलैंड वुमेन ने भी 2 मुकाबले जीते हैं। लास्ट फाइव मैचों की अगर टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंग्लैंड वुमेन ने अपने लास्ट के 5 मुकाबलों में 2 मुकाबले हारी हैं और 3 मुकाबले जीती हैं। वहीं पे न्यूजीलैंड की वुमेन की बात करें तो इन्होंने अपने लास्ट के 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 मुकाबले जीत पाई हैं और 4 मुकाबले हारी हैं। इंग्लैंड वुमेन की अगर पॉसिबल 11 की बात करें तो यहाँ से विनफील्ड और तेमी विवेंट आपको ओपनिंग करती हुई नजर आ जाएंगी। विनफील्ड की बात करें तो पहले दोनों मैचों में इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था, लेकिन लास्ट मैच में फ्लॉप हो गई। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है। अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम चेंज करने जाती है तो आप इनको ज़रूर अपनी टीम में लेके चलिएगा, क्योंकि ये हर मैच में फ्लॉप नहीं हो सकती, क्योंकि इंग्लैंड की टीम काफ़ी मजबूत टीम है। और फिर तमी विवेंट की बात करें तो पहले मैच में जरूर ये फ्लॉप अच्छे खासे स्कोर की थी, लेकिन बाकी 2 मैचों में ये फ्लॉप ही रही हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, आप इनको स्मॉल लीग टीम में भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं। अगर ये परफॉर्म करेंगी तो आपकी टीम वन साइडेड विनिंग करेगी। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, आप इनको जीएल में कैप्टन भी बना सकते हैं। हैदर नाइट की बात करें तो ये भी पहले मैच में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी, बाकी 2 मैचों में फ्लॉप ही रही हैं। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, आप इनको भी स्मॉल लीग टीम जीएल टीम दोनों टीमों में ट्राई कर सकते हैं। एमी जोन्स की बात करें तो अभी 3 मैचों में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई हैं, लेकिन विकेट कीपिंग सेक्शन से ये बेहतरीन चॉइस है, आपको इनको अपने स्मॉल लीग टीम और जीएल टीम में लेकर चलिएगा। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, आप इनको जीएल में कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो। वहीं पे सोफी डंकली की बात करें तो 3 मैचों में फ्लॉप ही रही हैं। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, आप इनको जीएल टीम में ही ट्राई कीजिएगा। डेनियल वेट की बात करें तो पहले मैच में खेली नहीं थी, दूसरे मैच में इन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन तीसरे मैच में फ्लॉप हो गई। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, अगर इसी पोजीशन पे आती हैं तो बैटिंग अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम पहले करती है तो अभी आप इनको अपनी टीम में ट्राई कीजिएगा, वरना इनको आप अपनी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड वुमेन चेंज करने जाएगी तो इनको काफ़ी नीचे बैटिंग मिलेगा और बहुत ही कम रन बचेंगे या इनकी बैटिंग ही नहीं आई जी, इसलिए आप इनको जीएल टीम में ही ट्राई कीजिएगा। वहीं पे डेन की बात करें तो अभी तक इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया, 1 विकेट 4 विकेट 1 विकेट निकाली है। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कुछ रिसेंट परफॉर्मेंस है, आप बात करें तो आप इनको स्मॉल लीग टीम और जीएल टीम दोनों टीमों में ट्राई कर सकते हैं। वहीं पर कैथरिक ब्रांड की बात करें तो पहले मैच में भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी, दूसरे मैच में भी इनको खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन तीसरे मैच में उससे भी बेहतर इन्होंने परफॉर्मेंस किया। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, आप इनको भी स्मॉल लीग टीम जीएल टीम दोनों टीमों में लेके चल सकते हैं और साथ में आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, चाहे स्मॉल लीग की टीम हो या जीएल की टीम। वहीं पर सोफी इलेक्सटेन की बात करें तो अभी तक ये उतने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई हैं, लेकिन लगभग इन्होंने हर मैच में विकेट निकाली है।
अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, आप इनको जीएल में जरूर कैप्टन ट्राई कीजिएगा। वहीं पे कैट क्रॉस की बात करें तो इन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, पहले दो मैचों में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, 2 और 3 विकेट निकाली। तीसरे मैच में इन्होंने बल्ले से 29 रन जरूर किए लेकिन इनको विकेट नहीं मिला। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, आप इनको भी स्मॉल लीग टीम और जीएल टीम दोनों टीमों में लेके चलिएगा और साथ में इनको आप जीएल में कैप्टन भी बना सकते हैं। वहीं पर ताज प्रांत की बात करें तो पहले मैच में नहीं खेली थी और बाकी दो मैचों में 1-1 विकेट निकाली हैं। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, आप इनको भी स्मॉल लीग टीम और जीएल टीम दोनों टीमों में ट्राई कर सकते हैं। लाइकली इनके ओपन बॉलर की बात करें तो कैथरिक ब्रांट ताज प्रांत होंगी, लाइकली इनके डेथ बॉलर की बात करें तो कैथरिक ब्रांट ताज प्रांत और कैट क्रॉस होंगी। अगर इनकी बेंच प्लेयर की बात करें तो यहाँ से नटाली स्काइपर है जो कि इस सीरीज का इनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, अगर ये खेलती हैं तो आप इनको ज़रूर अपने टीम में लेके चलिएगा क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लेके जाने वाले हैं। स्टार्टिंग के मुकाबलों में ये कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी लेकिन आपको बता दूँ ये बहुत ही तगड़ी खिलाड़ी हैं, आप इनको अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं। सारा ग्लेन की बात करें तो ये भी एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, अगर इनको खेलने का मौका मिल जाए तो आप अपने टीम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फरा डेविस की बात करें तो इनको मौका मिले तो आप जेल टीम में ट्राई कर सकते हैं। वहीं पे अनया सोरसेल की बात करें तो अगर इनको मौका मिल जाए तो आप ज़रूर अपने टीम में ट्राई कीजिएगा, ये भी काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं इस मैच की मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें या टेलीग्राम पे सर्च करें ऑलवेज ड्रीम टीम और सेम यूट्यूब लोगों वाले ऑलवेज ड्रीम टीम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। न्यूजीलैंड ओमेन की अगर पॉसिबल 11 की बात करें तो यहां से लॉरा डाउन और सुजी बैट्स आपको ओपनिंग करती हुई नज़र आ जाएंगी। लॉरा डाउन की बात करें तो ये भी तीनों मैचों में कुछ खास नहीं कर पाई हैं। अगर इनकी करियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका करियर रिकॉर्ड है, आप इनको जीएल टीम में ही ट्राई कीजिएगा। वहीं पे सुजी बेट्स की बात करें तो ये जितनी बड़ी बल्लेबाज हैं, जितनी बड़ी खिलाड़ी हैं लेकिन अभी तक एक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई हैं और तीनों मैचों में लगभग फ्लॉप ही रही हैं। सिर्फ सेकेंड ओडीआई मैच में इन्होंने 28 रनों की पारी खेली थी, बाकी दो मैचों में तो कुछ खास नहीं कर पाई हैं लेकिन आप इनकी करियर रिकॉर्ड देख सकते हैं कितनी ये शानदार प्लेयर हैं। अगर आपको इन पर रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं वरना आप सेफ चॉइस मेडिग्रीन के साथ जा सकते हैं, लेकिन सूजी बेट्स को आप जीएल में जरूर कैप्टन ट्राई कीजिएगा। और भी मेडिग्रीन की बात करें तो लास्ट मैच में शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए 70 रनों की पारी खेली, पहले मैच में 19 और 9 रनों की सेकेंड मैच में पारी खेली थी। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, आप इनको भी स्मॉल लीग टीम जीएल टीम दोनों टीमों में ट्राई कर सकते हैं। एमी सतुरवेट की बात करें तो पहले मैच में तो इन्होंने गजब का परफॉर्मेंस दिखाया था, बाकी दो मैचों में कुछ खास नहीं कर पाई लेकिन फिर भी लास्ट ओडीआई मुकाबले में इन्होंने 33 रनों की पारी खेली थी। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, आप इनको जीएल में जरूर कैप्टन ट्राई कीजिएगा। सोफी डिवाइन की बात करें तो पहले दो मैचों में तो इनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा था लेकिन लास्ट मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाई। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है लेकिन फिर भी आप इनको ड्रॉप करने के बारे में सोचिएगा भी मत क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं और ये बैट और बॉल दोनों से वन साइडेड आपको विनिंग करवा सकती हैं, इसलिए आप इनको ही कैप्टन करके चलिएगा। वहीं पे ब्रॉक हॉलीडे की बात करें तो पहले मैच में फ्लॉप रही थी, बाकी दो मैचों से बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही हैं। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, आप इनको भी स्मॉल लीग टीम और जीएल टीम दोनों टीमों में ट्राई कर सकते हैं। कैटिन मार्टिन की बात करें तो अभी तीनों मुकाबलों में बहुत ही खराब फॉर्म से गुजरी हैं, अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, आप इनको जीएल टीम में ही ट्राई कीजिएगा। हैली जेंसन की बात करें तो पहले दोनों मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन तीसरे मुकाबले में इन्होंने 2 रन बनाए लेकिन 1 विकेट निकाली थी। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, इनको भी स्मॉल लीग टीम और जीएल टीम दोनों टीमों में ट्राई कर सकते हैं। ली ताहू की बात करें तो अभी तीनों मुकाबलों में गजब की फॉर्म से गुजर रहे हैं, 2 विकेट 1 विकेट और लास्ट मुकाबले में तो इन्होंने 5 विकेट निकाल लिए थे। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, आप इनको भी स्मॉल लीग टीम और जीएल टीम दोनों टीमों में ट्राई कर सकते हैं। लिव कैस्पर की बात करें तो ये भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, 1 विकेट 3 विकेट और 1 विकेट अभी तक निकाली हैं। अगर इनकी कैरियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये इनका कैरियर रिकॉर्ड है, आप इनको भी स्मॉल लीग टीम जीएल टीम दोनों टीमों में ट्राई कर सकते हैं और साथ में इनको जीएल में कैप्टन भी बना सकते हैं। वहीं पर मौलिक की बात करें तो पहले 2 मुकाबले में खेली नहीं लेकिन तीसरे ओडीआई में जैसे ही इनको मौका मिला इन्होंने 2 विकेट निकाल लिए, लेकिन आप इनको जीएल टीम में ही ट्राई कीजिएगा। लाइकली इनके ओपन बॉलर की बात करें तो यहाँ से
लीताओ होंगी, ये जेस खेर अगर नहीं खेलती हैं तो यहाँ से लीताओ ओपन करेंगी सोफिन डिवाइन के साथ। अगर लाइकली इनके डेथ बॉलर की बात करें तो सोफी डिवाइन और लीताओ होंगी और यहाँ से हेली जेंसन हो सकती हैं। अगर इनकी बेंच प्लेयर की बात करें तो यहाँ से ग्रीन है, ग्रीन का भी आप रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, हन्ना राव का भी इस सीरीज का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, साथ में कैरियर रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर हन्ना राव खेलती हैं तो इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से जेस खेर भी अगर खेलने का मौका मिल जाए तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से मैडी स्वेडन को आप रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ से न्यूटन का आप कैरियर रिकॉर्ड देख सकते हैं। आइए दोस्तों आप टीम बना लेते हैं, टीम की बात करें तो हमने टीम बना के रखी है, आपको एडिट करके दिखा देंगे, साथ में आपको जीएल के पिक्स भी बताएंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम एमी जेम्स के साथ जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से कैटिन मार्टिन को भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम अभी एमी जेम्स के साथ ही जाएंगे। अगर बैटिंग सेक्शन की बात करें तो बैटिंग सेक्शन में हम तवी बेमेंट के साथ जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से सुजी बेट्स को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से सोफी डेंकली को जीएल टीम में ही ट्राई कीजिएगा। विनफील्ड को हम अपनी टीम में लेके जा रहे हैं। अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तो डेनियल वाइट को भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे ब्रॉक हॉलीडे के साथ अपनी टीम में जा रहे हैं। अगर आपको सेफ जाना है तो यहाँ से मैडी ग्रीन को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमें तो रिस्क लेना पसंद है, क्योंकि अगर फोर मेंबर में कुछ विनिंग बड़ा करना है तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो या अगर नटाली स्काइबल आपको खेलती हुई दिखी तो इनको ज़रूर आप अपनी टीम में ट्राई कीजिए। यहाँ से हैदर नाइट को अभी हम अपनी टीम में लेके जा रहे हैं। सोफी डिवाइन, एम एस चतुर्वेद को भी बहुत ही कम लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन ये भी अच्छी प्लेयर हैं इसलिए इनको साथ हम जा रहे हैं। और यहाँ से कैथरिक ब्रंट जो कि लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही हैं इसलिए इनको साथ हम जा रहे हैं। हेली जेंसन को आप जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो बॉलिंग सेक्शन में सोफी लेक्सटन के साथ जा रहे हैं। अगर आपको सेफ जाना है तो लीताओ को अपनी टीम में लेके जा सकते हैं जो कि लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही हैं, लेकिन अभी हम ली कैस्पर के साथ जा रहे हैं। यहाँ से बात करें तो ताश प्रांत भी एक अच्छी खासी च्वाइस है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कैट क्रेस के साथ जा रहे हैं। सारा ग्लेन खेलती है तो इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। अन्या सोल को भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से जेस केर और हन्नरो को भी ट्राई कर सकते हैं अगर इनमें से इन लोगों को खेलने का मौका मिलता है तो। यहाँ से डीन को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से मुली फॉन्ड को आप सीएल टीम में ही ट्राई कीजिएगा। आइए दोस्तों टीम की फुल प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये हमारी टीम की फुल प्रीव्यू है, हमने कैप्टन यहाँ से सोफी डिवाइन को किया है, वाइस कैप्टन यहाँ से कैथरिक ब्रांट को किया है। आफ्टर टॉस अगर इस टीम में कुछ भी चेंजेस होगा तो आपको फाइनल अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि टॉस के बाद बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती है जिस टीम में चेंज करना पड़ता है। अगर जीएल टीम की बात करें तो जीएल में आप तेमी को ज़रूर कैप्टन कीजिए और वाइस कैप्टन यहां से एमी चतुर्वेद को भी बना सकते हैं। जीएल में आप सोफी लेक्सटन को कैप्टन कर सकते हैं और कैट क्रिस को वाइस कैप्टन। जीएल में आप यहां से हैदर नाइट को कैप्टन बना सकते हैं और वाइस कैप्टन की बात करें तो एमी जोन्स को भी बना सकते हैं या ली कैस्पर को। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ तक वीडियो देखे उसके लिए शुक्रिया।